प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है मल्टी लाइन कंसेप्ट। तो सबसे पहले मल्टी लाइन क्या चीज होती है? तो ये एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 10 तक या 15 तक ऐसी लाइंस होती हैं जो आइडेंटिकल होती हैं फिनोटाइप में भी और जीनोटाइप में भी, लेकिन इन लाइंस में सिर्फ एक ही जीन डिफरेंट होता है, और वो जीन कौन सा है? रेजिस्टेंट, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस का भी हो सकता है या इंसेक्ट रेजिस्टेंस का भी हो सकता है। तो किसी डिजीज के रेजिस्टेंस के लिए जो जीन है वो डिफरेंट होता है इसके अंदर, तो इनको कहा जाता है मल्टी लाइंस। तो मल्टी लाइन के ऊपर 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये डेफिनेशन आपको बता देनी है। उसके बाद मल्टी लाइन वेराइटी क्या है? अगर हम मल्टी लाइंस के सीड्स को एक साथ मिक्सअप कर लें तो इस तरह से जो वैरायटी डेवलप होगी उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी लाइन वैरायटी। ठीक है, तो इन मल्टी लाइन वैरायटीज के अंदर 10 या 15 या उससे भी ज्यादा लाइंस के सीड्स को मिक्स किया गया होता है, ठीक है, जिससे जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के रेजिस्टेंस के लिए उतने ही जीन्स होते हैं जितनी लाइंस के सीड्स को मिक्स किया गया होता है। तो इस पे क्वेश्चन देखो, मल्टी लाइन वैरायटी के ऊपर 2 नंबर की डेफिनेशन जो है वो पूछी हुई है, तो ये डेफिनेशन आपको बता देनी है।